जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोशिश की है। और जो इंटरव्यू है ये हमारे एक ऐसे बच्चे का है जो बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस था और इसका सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। और ये वाकई में हमारे इंस्टीट्यूट का काफ़ी टैलेंटेड बॉय था जिसने पहले अटैम्प्ट में इस एग्ज़ाम को क्रैक किया और आज इसका जो सिलेक्शन है वो एक काफ़ी अच्छे स्कूल्स में हुआ है जो कि आपका सैनिक स्कूल झांसी है। और ये रियल में एक काफ़ी अच्छा बच्चा था। तो आज मैं इस बच्चे का इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ और इस इंटरव्यू से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको ये बच्चा थोड़ा गाइड भी करेगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है। तो मोस्ट अवेटेड इंटरव्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है और इस बच्चे का जो नाम है वो प्रथमेश पाठक है और इसके लिए एक बिग हैंड हो जाए। मॉर्निंग बेटा, कैसे आप? अच्छे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? रियली अच्छा। आज मैं थोड़ा सा आपसे आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा, थोड़ा सा आपके बारे में पूछूँगा और आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना रहेगा। और ये बच्चे भी आपसे कुछ सीखेंगे और यहाँ पे जितनी ऑडियंस बैठी है ये कुछ सीखेगी कि एक्चुअली में तैयारी कैसे होती है। तो सबसे पहला आप नाम बताने की कोशिश करेंगे? अच्छा, कैडेट। अच्छा अच्छा, कैडेट प्रथमेश पाठक। किस ईयर में आपका हुआ था सैनिक स्कूल में? 2023 में हुआ। कैसे तैयारी की आपने? अच्छा। ओके। चलिए, आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी दिक्कत आई, आपने कुछ फेस किया? तो मतलब आपको ऐसे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कौन सा लगता था? मैथ्स लगता था। और आपके घर में कौन कौन है थोड़ा बताएंगे? योर फादर, क्या करते हैं आपके फादर? सर, माय फादर वर्क्स इन फार्मास्यूटिकल। ओके, कहाँ के? देवास में। अच्छा अच्छा। और मदर आपकी कहाँ रहती है? ग्वालियर। ओके, व्हाट डस शी डू? शी इज द प्रिंसिपल ऑफ स्कूल। अच्छा अच्छा। तो आप एक चीज बताइए, जब आप सैनिक स्कूल में आपका एडमिशन हुआ तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा था? अच्छा, आपकी मेहनत रंग लाई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है? अच्छा अच्छा अच्छा। या आपने कहाँ से तैयारी किया था? क्या नाम? अच्छा, इंडियन मिलिट्री स्कूल ग्वालियर से आपने तैयारी किया। क्या बात है, कैसे फैकल्टी वहाँ पे? अच्छा, अभी तो और इम्प्रूव हो गई। अच्छा अच्छा, जब आपने तैयारी की थी तो उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, जैसे आपका वहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो आपने आगे फ्यूचर के लिए क्या डिसाइड किया, आगे बड़े होकर आपको क्या बनना है, ऐसा कुछ आपने डिवाइड किया? एनडीए नहीं जाना चाहेंगे तो फिर किस में जाएंगे? यूपीएससी आपके सामने, नीट है, जेई है, यूपीएससी में जाना चाहेंगे? क्या बात है, यूपीएससी में। अच्छा अच्छा, आप एक चीज मुझे बताएंगे, आप सबसे ज़्यादा अपना इंस्पिरेशन किसको मानते हैं, मतलब जिससे आप मोटिवेट होते हैं? आपके पेरेंट्स हैं या आपका कोई ऐसा फ्रेंड है या आपके कोई ऐसे टीचर? मुझे बताएंगे, मतलब सबसे आपका जो फेवरेट कोई इंस्पिरेशन या जिससे आप मोटिवेट होते हो, आपके पेरेंट्स हैं या कोई गॉड है या कोई ऐसी पावर है जिससे आप मोटिवेट होते हो, आपके कोई फ्रेंड सर्कल है या फिर आपके टीचर्स हैं जिससे आप पावर ऐसी कोई नहीं है तो बताएं किससे मोटिवेट होते हैं? जैसे आप मान लो कभी कभी आपके सामने प्रॉब्लम आती होगी, आप अकेले 9 साल 10 साल आपकी एज 10 से 11 साल होगी और आप वहाँ रहते हो तो वहाँ पे जब आप मतलब कभी कभी तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में ऐसे कुछ ख्याल आते होंगे जैसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, उसके लिए आप क्या करते हो वहाँ पे? अच्छा, सही बोलते हैं।
अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि आपको जब तैयारी आप कर रहे थे तो आपको सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आई और उसको आपने कैसे मैनेज किया? या सबसे ज्यादा हमारे बच्चे तो बोलते हैं मैथ्स में बहुत दिक्कत आती है, आप बताएं। प्रॉब्लम तो ऐसे कोई सब्जेक्ट में नहीं आई, पर फिर भी देखा जाए तो रीजनिंग में आई। अच्छा अच्छा आपने जो एग्जाम निकाला कौन से अटेम्प्ट में निकाला था, फर्स्ट अटेम्प्ट में था सेकंड? क्या बात है, वेरी गुड, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने क्रैक किया। अच्छा अच्छा ये क्या बात है। अच्छा मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि जैसे आप वहाँ स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है या फिर कैसा लगता है आपको? खाने वाने का कैसे डूब रहता है, मतलब वो लोग खाना वाना कैसे देते हैं? अच्छा खाना अच्छा देते हैं। अच्छा वहाँ पे मतलब आप क्या खाना कौन सा प्रेफर करते हैं, वीगन नॉन वेज वेज वेजिटेरियन कैसे? अच्छा आप वेजिटेरियन लाइफ करते हैं। अच्छा अच्छा और नॉन वेजिटेरियन बच्चों के लिए अलग मैसेज आता है। अच्छा अच्छा क्या देते हैं खाने में, ज़रा बताएंगे हमारे बच्चों को? अच्छा ब्रेकफास्ट 7 days 7 types का। अच्छी बात। और बिरयानी और वीकेंड में कहीं घुमाने वाने ले जाते क्या? वीकेंड में सर अभी लेकर भी लेते हैं एग्जांपल, जैसे हमने बीच में ही एयरफोर्स स्टेशन आए। अच्छा घूमने गए थे, पिक्चर उक्चर दिखाते हैं क्या वो सब हमारे बच्चे जैसे जाना चाहें वहाँ तो पिक्चर उक्चर देखने की व्यवस्था रहती है मूवी में? हाँ सर। रिसेंट मूवी कौन सी देखी आपने? अच्छा 12th फेल आपने देखी, कैसा लगा वो मूवी देखी आप, कुछ उससे इंस्पायर्ड हुए आप? कहाँ की स्टोरी है, क्या है उस स्टोरी में कुछ पता है? अच्छा जौरा के मनोज शर्मा नाम का इस समय वो आई थिंक महाराष्ट्र के दिल्ली में है। अच्छा स्ट्रगल की और उसके बाद आया तो। अच्छा मान लो जैसे आप पढ़ाई करते थे तो किस टाइम पे स्टडी करते थे, जैसे यहाँ आप क्लासेस करते थे, क्लासेस करने के बाद आप घर जाते थे, फिर वहाँ पे कैसे मैनेज करते थे, क्या करते थे? अच्छा स्लीप कितने घंटे घंटे रोते थे आपको, कितने? अच्छा 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 सही है, अच्छी बात है। इसके अलावा जैसे आप यहाँ आते थे तो इसके अलावा आपको कहीं होम ट्यूशन या कुछ अलग से कोचिंग की जरूरत पड़ी क्या? नहीं। अच्छा अच्छा आपने मतलब यहाँ से और घर पे जाके सेल्फ स्टडी से आपने एग्जाम को क्रैक कर दिया। अभी आपके बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ, जैसे एक का दुर्गुल में हुआ है रिद्धिमान, वो आपकी फ्रेंड है। और आपका एक दोस्त था उसका समन राठौर, मैथ्स में उसके पूरे नंबर आए, 150 में से 150 नंबर लेके आए, 150 out of 150, रीजनिंग में पूरे नंबर आए। तो वो बच्चे मतलब आपको मिस भी करते हैं जब भी आप यहाँ पे ग्वालियर आए, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? जैसे मान लो बच्चों का सिलेक्शन होता है, अब वहाँ वो जाएंगे तो उनको एक होता है नॉस्टैल्जिया, नॉस्टैल्जिया एक बीमारी होती है कि अपने घर की याद बहुत ज़्यादा आती है, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आपको वहाँ कैसे 15 days या आर्ली जो डेज होते हैं उसको मैनेज करना है? चलिए सही, आपसे अगर आप ज़्यादातर मतलब उनको आप सजेस्ट करना चाहेंगे तो उनको चीज़ों पर फोकस करें। सही। और आप बताइए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब सारी चीज़ें प्रॉपर करें। चलिए ठीक है, आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप सर से पूछ सकते हैं। जैसे ये बच्चा हमारा ये IPS बनना चाहता है, क्या बनना आपको? IPS बनना, लड़का IPS बनना चाहता है, क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे प्यारे मन में मुझे बच्चे? ध्यान से पढ़ना, कुछ भी डाउट हो टीचर से लगे कुछ ना कंसिस्टेंट रहो, कि स्कूल मिस नहीं करना, एक ट्यूशन भी मिस नहीं करना, कुछ भी करना। बोलो थैंक यू भैया। ऐसे ही होता है पता आपको, आपके मन में फोकस करना। ठीक है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप आगे तरक्की करें, आपके जो टारगेट है आपका टारगेट क्या है? UPSC क्रैक कर दो, आप IAS बने, देश का नाम रोशन करें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने देश को आगे लेके जाएं, क्योंकि देश आपसे है, क्योंकि देश आप ही के कंधे पर आगे बढ़ेगा। थैंक यू।